नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फटाफट इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों आज हम आए हैं भिवाड़ी के अंदर और यहाँ पे जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं वो गाड़ियों को चेक करवा रहे हैं, अपनी जो इंस्ट्रक्शंस मिली है उनके हिसाब से सभी गाड़ियों को भेज रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और अभी हम जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं लॉकडाउन के अंदर, क्या क्या उनको जो है बोला गया है। राजस्थान का आज हम कर रहे हैं इंटरव्यू और यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो इस टाइम पे दोपहर का टाइम है, लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है, 2-2.5 बजे का। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो रेवाड़ी जा रहे हैं। क्या कर रहे हो ये? कहाँ से आ रहे हो? रेवाड़ी से भैया। रेवाड़ी से इधर राजस्थान में क्या काम था? ये अपनी कोई गाड़ी खड़ी है जी, उस गाड़ी के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ। आपने कोई परमिशन वगैरह ली है? नहीं, परमिशन नहीं ली जी। ओके, तो अभी जो पुलिस अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया है। तो ये इस तरह के सर जैसे लोग आते हैं जिन परमिशन नहीं है, हरियाणा से आ रहे हैं, तो इनके आप क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? इनको सर हम मना कर देते हैं, वापस रिवर्स कर देते हैं, गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं जी। परमिशन के लिए क्या कुछ ऑर्डर मिले हैं सर, कि किन किन गाड़ियों को जाने देने? जिन्होंने एसपी साहब कार्यालय से परमिशन प्राप्त कर रखा है वो गाड़ियाँ जारी हैं, या जिनके लिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी है, बैंक वाले हैं या फिर जो खुले हुए हैं डिपार्टमेंट, वही जा पा रहे हैं, सब बाकी नहीं जा रहे। अभी कुछ ढील वगैरह दी गई है क्या डिपार्टमेंट की तरफ से जो आ रहे हैं? मतलब कुछ सेक्टर्स में ऐसे बोल रहे हैं कि ढील देंगे ना? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है सर, ढील नहीं। पहले के मुकाबले अभी क्या कुछ साधन बढ़े हैं जो ज़्यादा, पहले लॉकडाउन का ज़्यादा फॉलो कर रहे थे ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि अभी जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा जा रही हैं? ना सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ तो पहले जैसा ही चल रहा है, कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। बाकी ये कृषि कार्य वाले ट्रैक्टर वगैरह या तोड़े ताड़े के ये थोड़े बड़े हैं, इनका आवागमन थोड़ा ज्यादा हो। खरीदारी वगैरह स्टार्ट की गई है यहाँ पे, जो फसलों की खरीदारी है उसके संबंध में कोई आपके पास? हाँ, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं आया है। हाँ, हरियाणा में भी सरकार ने किसानों से वो खरीदनी शुरू कर दी है फसल, तो ऐसा यहाँ पे कुछ ना यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। खाली ये जो आसपास वाले हैं बॉर्डर के, जैसे इनके ट्रैक्टर में तोड़ा लेके आ रहे हैं या कोई गेहूँ निकाल के ला रहे हैं तो पर्सनली ला रहे हैं जी जी, बाकी इधर कुछ नहीं लेके जा रहे। जो लेबर वगैरह जा रही है आ रही है उनको, उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं जो खेतों में काम करने वाले लेबर है? लेबर तो ये अपने इधर से तो क्रॉस हो नहीं रहे हैं, इनके उधर से एडजस्ट करके ले जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो, बाकी अपने यहाँ से तो नहीं जा पा रहे हैं। कितना लगता है सर कि कितने लोग ऐसे हैं जो फालतू के बहाने लगा के आ रहे हैं या वैसे ही जा रहे हैं बिना परमिशन के? सर ऐसा तो छोटे मोटे ये इधर कॉलोनियों से आ जाते हैं, कोई दवा लेने के हिसाब से मेडिकल पे जा रहे हैं, कोई बैंक में एटीएम का से पैसा निकालने जा रहे हैं, ये छोटे मोटे काम वाले हैं या कोई दूध वाला है। सर ऐसे भी लोग होते हैं जो बहाने, आपको लगता है कि बहाने लगा के जा रहे हैं, झूठ बोल के जा रहे हैं? ऐसा तो कोई है नहीं सर, छोटा मोटा तो अब किसी को कह भी नहीं सकते, कोई जा भी रहा है तो अब बोल दिया एटीएम लेने से पैसा निकालने जा रहे हैं या मेडिकल से कोई दवा लेने जा रहे हैं, अब झूठ सच का तो इसमें क्या पता लग पाता है। तो दोस्तों ये है अभी हमने भिवाड़ी का यहाँ पे जो नाका लगा हुआ यहाँ पे कवर किया है, और जो आगे जो नाके लगे हुए वहाँ पे भी हम पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे, वहाँ पे भी दिखवाएंगे क्या सिचुएशन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को। थैंक यू सर। दोस्तों अभी हम आए हैं गुड़गांव और जयपुर पे जो हाईवे जाता है इसके बॉर्डर पे, और यहाँ पे हरियाणा पुलिस जो है वो खड़ी है, राजस्थान पुलिस हमें नहीं दिखी। जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री किया तो राजस्थान पुलिस का भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे राजस्थान पुलिस का कोई जो है, राजस्थान पुलिस की तरफ से कोई रोका नहीं जा रहा है व्हीकल्स को एंट्री पे, तो यहाँ पे हमें सिर्फ गुड़गांव पुलिस ही दिखी है। और यहाँ जो पुलिस अधिकारी आप देख रहे हैं वो सभी गाड़ियों को जैसा कि आप देख रहे हैं चेक करके भेज रहे हैं, नाके पे लगा रखा है, और अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किन किन गाड़ियों को वो जाने दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा से ज़्यादा सेंसिटिव इस टाइम पे राजस्थान है, वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, और जयपुर तो उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और देखते हैं किन किन गाड़ियों को वो जाने दे रहे हैं, किन किन को रोक रहे हैं। इधर से देखिए दोस्तों, ये राजस्थान से जैसा कि आप दिखा रहे हैं आप, इधर से जैसे कि देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही है राजस्थान से, उनको हरियाणा पुलिस रोक के और भेज रहे हैं आगे। बात करेंगे पुलिस अधिकारियों से। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल एकदम। रामपाल जी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। सर यहाँ पे राजस्थान पुलिस की तरफ से कोई नाका नहीं लगाया गया, इसका क्या कारण? ये हमारे गुड़गांव जिला का है जी, इससे आगे रेवाड़ी जिला है जी,
हरियाणा ही है। तो अभी हम जैसे कि राजस्थान जैसे बॉर्डर से आए थे, तो वहाँ पे भी कोई हमें नाका नहीं मिला। तो देखो जी, वो तो राजस्थान वाले बता सकते हैं, हम तो अपने गुड़गांव जिला है, यहाँ से अपने गुड़गांव से शुरू होता है, वहाँ हमारा नाका लग रहा है। यहाँ पर नाके के ऊपर हर गाड़ी को चेक कर जान दे रहे हैं, बस इसमें कोई ऐसा तीन बंदे से फालतू नहीं हो, जिसके पास परमिशन हो वही जाएगा, बाकी जो हाईवे लोड है, ट्रांसपोर्ट बड़े वाले हैं, ये जा रहे हैं सारे सारे, हर गाड़ियों को चेक करके जा रहे हैं, जिसमें ताकि कोई बचाव रहे, तीन आदमी से फालतू नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोपहर का टाइम है और इतनी गर्मी के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने घरों पे रहें, बिना मतलब के बाहर ना निकलें, और अगर आपको जाना है तो बकायदा परमिशन लेकर, अगर कोई इमरजेंसी है तभी जाएं, बिना मतलब के बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है। सर, अभी जैसे जयपुर है, ये सबसे संक्रमित जो है राजस्थान के अंदर एरिया माना जा रहा है, जयपुर से आ रहे हैं उसको भी हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल से ऐसे आदमी को हम नहीं जान देंगे, जिसके पास परमिशन हो उसी को जान देंगे हम, बाकी हम किसी को नहीं जान देंगे। सर, आपको लगता है काफी सारे लोग जो है बहाना लगा के आ जाते हैं या इस तरह? नहीं, ऐसे बहाने नहीं चलेगा जो कोरोना के अंदर, हम बिल्कुल चेक करके, इमरजेंसी है जिसके, मान लो कोई जिसको इमरजेंसी घनी तगड़ी है, तो उसको हम निकाल देते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि बहाना लगा के आ रहे हैं? बहाना कई आते हैं, कई काफी आ जाते हैं, लेकिन फिर उसको वापस कर जाते हैं, कुछ तो प्रूफ हो उसके पास, आई कार्ड देखते हैं, उसका पहचान पत्र देखते हैं, उससे संबंध कई चीज देखते हैं हम उसको। और अभी कितने घंटे की ड्यूटी आपकी चल रही है सर? नॉर्मली अभी कितना घंटे आपकी ड्यूटी रहती है, क्या टाइमिंग है? हमारे तो सुबह 8 से 8 होती है, 8 बजे से 8 बजे तक देते हैं, वैसे नॉर्मल हमारी 8 घंटा ही होती है, 12 घंटा ही हो जाती है, मतलब मुलाजिम की कमी से हम 12 घंटा भी देनी पड़ती है कोरोना के संबंध में। दोस्तों, अभी जैसे कि आपको पता है महामारी है, तो जाहिर सी बात है कि हमने पंजाब का भी आपको दिखाया था, वहाँ पे भी 12 घंटे की ड्यूटी चल रही है, और राजस्थान का भी दिखाया, वहाँ पे भी 12 घंटे की चल रही है, और हरियाणा का भी आपको पहले शूट दिखा चुके हैं, उसमें भी जो ड्यूटी है वो बढ़ा के जो है जिम्मेवारी बढ़ा दी गई है अधिकारियों की। तो सर, क्या ये जो ओवर टाइम आप कर रहे हैं 4 घंटे का, मतलब एक तरह से हाफ डे एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ सैलरी मिलती है? नहीं नहीं नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलती, हम देश की सेवा के लिए कर रहे हैं, इस कोरोना से बच जाए किसी तरह। सर, एक आप संदेश दे दीजिए लोगों के लिए कि क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं। तो हम ये कहते हैं, आदमी से 5 फुट की कम से कम डिस्टेंस रखो आराम से, जो भी आदमी से दूर से बात करो आराम से दूर से बात करो, और मास्क पहनो हमेशा। दोस्तों, ये हैं सब इंस्पेक्टर रामपाल जी हमारे साथ और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर अभी बैठे हैं, और सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने घर पे रहें। और नेक्स्ट न्यूज़ के साथ हम मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।